अब युजवेंद्र चहल को सभी जानते हैं कि ये बहुत जॉली और मजाकिया किस्म के इंसान है, पर कभी कभी ज्यादा मजाक करना भी भारी पड़ जाता है। जब चहल ने रिपोर्टर से माइक छीनकर मार्टिन गप्टिल के साथ मजाक करने की कोशिश की तो गप्टिल ने उनका ही मजाक बना दिया और कुछ ऐसा बोल दिया जिसे सुनकर रोहित शर्मा भी जोर जोर से हंसने लगे। अबू धाबी T10 लीग के एक मैच के दौरान रोहन मुस्तफा नाम का ये खिलाड़ी अपनी टी शर्ट भी नहीं पहना था कि मैच स्टार्ट हो गया। इस मोमेंट्स को देखने के बाद वहाँ बैठे सभी लोग अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं रख पाए, चाहे वो निकलस पूरन हो या फिर जोय क्लार्क। IPL 2019 में सनराइज हैदराबाद और पंजाब किंग्स के इस मैच में एक फनी फील्डिंग मूवमेंट्स देखने को मिला, जब यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल बॉल को बाउंड्री से बचाने के बजाय खुद ही बॉल को लात मारकर उसे बाउंड्री के पार भेज दिया। साउथ अफ्रीका में खेली जा रही साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका के एक ODI मैच के दौरान मधुमक्खियों ने ग्राउंड पर ही हमला बोल दिया, जिससे कि सभी प्लेयर्स और अंपायर्स भी ग्राउंड पर लेट गए और हनी बीज के जाने का इंतजार करने लगे, पर देखते ही देखते उनकी संख्या और बढ़ने लगी। फिर क्रिस मॉरिस को आइडिया आया और वो अपने साथ फायर एक्सटिंग्यूशर को ले आए और फाइनली मधुमक्खियों को भगाकर मैच फिर से स्टार्ट किया गया। बिग बैश लीग के एक मैच के दौरान जब क्रिस लिन ने एक स्ट्रेट लॉप्टेड शॉट खेल दिया, तभी क्राउड में मौजूद एक फैन बॉल को कैच करने के लिए साइड स्क्रीन के आगे लगे कर्टन पर ही दौड़ लगा दी और ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में अपनी बेइज्जती करवा ली। बिग बैश लीग के एक मैच के दौरान जॉस इंग्लिश ने कुछ इस अंदाज में बैट्समैन को रन आउट किया कि खुद वो भी अपने इस कारनामे पर चौंक गए। क्या बात है सर। साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान के एक मैच में जब फकर जमान 2 रन लेने के लिए वापस क्रीज की ओर भागे, तभी क्विंटन डीकॉक ने एक्टिंग करते हुए दूसरे क्रीज की ओर इशारा किया और बिल्कुल नॉर्मल थे। ये सब देख फकर जमान को लगा कि बॉल दूसरे एंड पर थ्रो हुई है, जिससे कि वो रिलैक्स होकर भागने लगे। तभी अचानक क्विंटन डीकॉक के पास बॉल आती है और वो जमान को रन आउट करने में जरा भी देर नहीं लगाते। क्विंटन डीकॉक से पहले भी संगाकारा ने भी फेक एक्टिंग करके रन आउट करने की कोशिश की थी। फर्क ये है कि कुमार संगाकारा सिर्फ बैट्समैन के साथ थोड़ा मस्ती करना चाहते थे। ड्राइंग एंड पुशिंग अमर शहजाद फॉर द सेकंड बैट्समैन बी लाइक कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। एशेज टेस्ट मैच में फैंस के बीच एक फनी मूवमेंट देखने को मिला, जब एक ब्यूटीफुल लेडी अपने चेयर पे बैठ रही थी तभी वो अपने तशरीफ को सही जगह पर नहीं रख पाई और नीचे जमीन पर ही गिर गई। इसे देख डेविड वार्नर और जो रूट भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। इंग्लैंड वोमेन वर्सेस इंडिया वोमेन के ODI मैच के दौरान दीप्ति शर्मा ने बॉल डालने से पहले नॉन स्ट्राइकर को रन आउट कर दिया, जिससे कि इंग्लैंड टीम ऑल आउट हो गई और इंडिया वोमेन ये मैच जीत गई। इसके बाद इंग्लिश वोमेन टीम का रोना स्टार्ट हो गया और फैंस ने भी जमकर दीप्ति शर्मा के इस रन आउट पर विरोध किया। आपका इस इंसिडेंट पर क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइए। तो ये थे क्रिकेट के टॉप अनबिलीवेबल एंड फनी मोमेंट्स। अगर क्रिकेट से रिलेटेड ऐसे ढेर सारी वीडियोस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे।